मॉड्यूल नाइन्टी सेवन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सप्रेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर सो वी नो दैट वेन वी टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वी टॉक अबाउट द डी एस एम फाइव अब हम ये देखेंगे कि जो डी एस एम फाइव है वो क्या क्राइटेरिया देता है जिसके अकॉर्डिंगली हमने किसी बच्चे को डायग्नोज uh, कर सकते हैं कि दैट चाइल्ड हैज्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर सो हैो इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो बच्चा है उसमें इन अप्रोप्रिएट और एक्सेसिव फियर और एंजाइटी हो अब हेयर यू नीड टू बी सी के जो टर्म है दैट इज द इन अप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव सर्टन टाइम फियर एक्सेसिव होता है लेकिन वो इन अप्रोप्रिएट नहीं होता बट यू नीड टू बी फाइंड आउट कि जो फियर है वो इन अप्रोप्रिएट भी हो और एक्सेसिव भी हो इसके साथ साथ वो कहता है कि जो नीचे सिम्टम्स दी हुई हैं उनमें से एटलीस्ट थ्री जो हैं वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए यानी ये जो आठ सिम्टम हम नीचे वन बाय वन पढ़ेंगे इनमें से एटलीस्ट थ्री सिम्टम्स जो है वो बच्चा मैनिफेस्ट कर रहा हो नंबर वन क्या है कि उसके अंदर बार बार रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस हो जो कि वो एंटिसिपेट कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा हो कि वो अपने पेरेंट्स से या जो मेजर अटैचमेंट फिगर्स हैं या जो घर है वो उससे दूर जा सकता है ठीक है तो द थिंग इज के जो इमोशनली अटैच वो जिन चीज़ों के साथ है या पेरेंट के साथ है या घर के साथ है वो उनसे सेपरेशन की एन्जाइटी जो है वो उसको एंटीसपेट कर रहा हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे लेकिन जिस तरह अगर बच्चे ने स्कूल जाना है तो वो पहले से ही रात से ही उसको टेंशन शुरू हो जाएगी कि सुबह जो है उसने स्कूल जाना है और वो एंक्शियस होना शुरू हो जाएगा दैट इज़ द एंटीसिपेटिंग एन्जाइटी देन द परसिसटेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर्स ठीक है लाइक उसको ये बहुत ज़्यादा फियर होगा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनको कोई इलनेस ना हो जाए कोई इंजरी ना हो जाए उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता हादसा ना हो जाए या उनकी डेथ ना हो जाए तो इस किस्म की जो परसस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी है वो जो है वो ये बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं इसी तरह उनका ये भी ख्याल होता है या उनको इस चीज़ की भी वरी होती है कि कुछ ऐसे इवेंट्स ना हो जाएं जिसकी वजह से उनको अपने मेजर जो उनके अटैचमेंट फिगर्स हैं उनसे वो दूर हो सकें फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं वो घुम ना जाएँ कहीं उनको कोई किडनेप ना कर ले कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो दिस इज़ समथिंग कि या तो उनको ये फियर होता है कि जिनके साथ वो अटैच होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या फिर उनको ये प्रॉब्लम फील हो रहा होता है कि कहीं उनके साथ खुद कुछ ना हो जाए ठीक है इसी तरह परसिस्टेंट उनका एक रिफ्यूज़ल होगा कि वो घर से दूर नहीं जाएंगे वो स्कूल नहीं जाएंगे वो, वो वर्क प्लेस पे नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ हैविंग फियर ऑफ सेपरेशन